हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम जितेंद्र महापात्र वेलकम्स यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल जीतू फिजिक्स। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि सीएचएससी के एग्ज़ाम के रिलेटेड हो, आपको वो वीडियो देख के सक्सेस मिले। ओके, तो आइए शुरू करते हैं पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आज हम डिस्कशन करेंगे, और ये एक सीरीज अभी चला रहेगा टिल एग्ज़ाम तक। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक है फिजिक्स के वो ब्रांच जिस ब्रांच में हम इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट में रहता है तो स्टडी करते हैं, चार्ज एट रेस्ट और इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। ओके, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रॉन है क्या एक्चुअली? इलेक्ट्रॉन है एक चार्ज पार्टिकल। क्या है? चार्ज पार्टिकल एक बॉडी के, जिसके वजह से बॉडी एक्सपीरियंस करता है दो तरह के फोर्स, जो कि है एक अट्रैक्टिव नेचर का और दूसरा है रिपल्सिव नेचर का। रिपल्सिव मतलब रिपेल करना, अट्रैक्टिव मतलब अट्रैक्ट करना बॉडी को। ओके, तो ठीक उसी तरह चार्ज भी दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कहाँ पे दिखते हैं? इलेक्ट्रॉन के बॉडी के ऊपर जो चार्ज रहता है उसको नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, और प्रोटॉन के बॉडी के ऊपर जो रहता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। और चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? चार्ज का मैग्नीट्यूड है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। और कूलम क्या है? कूलम है SI यूनिट। SI यूनिट ऑफ चार्ज अगर हम डिस्कशन करेंगे, SI यूनिट ऑफ चार्ज अगर हम डिस्कशन करेंगे तो हम लिखेंगे क्या? कूलम, CoULOMB, कूलम। ओके, ठीक उसी तरह अगर CGS यूनिट हम डिस्कशन करेंगे तो CGS यूनिट दो तरीके के होते हैं, उसके CGS यूनिट इसके दो टाइप के हैं, एक है ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और एक है EMU मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ESU में हम बोलते हैं उसको स्टार्ट कूलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टार्ट कूलम। और EMU वो बोलते हैं उसको एब कूलम। क्या बोलते हैं उसको? एब कूलम। और एग्जाम में पूछा जाता है कूलम और स्टार्ट कूलम के बीच में क्या रिलेशन है, कूलम और एब कूलम के बीच में क्या रिलेशन है, तो उसको हम अभी लिख देते हैं, आप अच्छे से याद कर लेना। तो वन कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टार्ट कूलम, 3 × 10⁹ स्टार्ट कूलम। ओके, और वन एब कूलम इज इक्वल टू 10 कूलम। और हम ये भी बोल सकते हैं 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 कूलम, ये भी बोल सकते हैं 1 कूलम इज इक्वल टू हाउ मच एब कूलम, 1/10 एब कूलम। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा। ओके, तो उसको अच्छे से याद कर लेना बच्चों, क्योंकि एक 1 मार्क शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा ये। इसको अच्छे से याद कर लेना, ओके, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह दो हम एक बॉडी ले लिए ए बॉडी और दूसरा का नाम दे दिए बी बॉडी। ओके, अगर किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके से अगर ए बॉडी ने कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस किए और वो इलेक्ट्रॉन अगर बी बॉडी को दे दिए तो ए बॉडी बन जाएगा पॉजिटिव वाला चार्ज बॉडी और बी बॉडी बन जाएगा नेगेटिव वाला चार्ज बॉडी। यानी कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं उसको? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसको बोलते हैं लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो वो बॉडी क्या कहलाएगा? वो बॉडी कहलाएगा पॉजिटिव चार्ज वाला बॉडी। ओके, अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस बॉडी को हम बोलते हैं क्या? बोलते हैं नेगेटिव चार्ज वाला बॉडी। ओके, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? उस बॉडी के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे, और इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन कम होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। लेकिन किसी न्यूट्रल बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होते हैं। क्लियर?
अभी हम डिस्कशन करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना मुझे, और नए नए वीडियो बनाने के लिए मुझे सजेस्ट करना। ओके आपका प्यारा सा कमेंट बहुत कुछ एनर्जी देता है हमको। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, पहले में हम पहले प्रॉपर्टीज में हम पढ़े, चार्ज इज क्वांटाइज्ड मतलब चार्ज क्वांटाइज्ड नेचर शो करता है। क्या क्वांटाइज्ड मतलब क्या है? एक्चुअली क्वांटम और क्वांटिटी बोलते हैं, जो कि मिनिमम क्वांटिटी होता है। और चार्ज का मिनिमम क्वांटिटी कितना है? वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन, उसका वैल्यू है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। हम ये नहीं बोल सकते कि 1.5 इलेक्ट्रॉन कि 2.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे नहीं बोल सकते हम, ऐसे नहीं बोल सकते। ओके हम क्या बोलेंगे? हाँ, इंटीजर मल्टीपल में हम बोलेंगे, यानी कि टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी को हम लिख सकते हैं प्लस और माइनस एन इंटू ई, जहाँ कि एन क्या है? एन इंटीजर है, और क्या होता है? 1, 2, 3, 4। ओके, तो चार्ज इस क्वांटिटी मतलब है मिनिमम क्वांटिटी कितना एग्जिस्ट करता है। मिनिमम क्वांटिटी वन इलेक्ट्रॉन हो सकता है, उससे ज़्यादा कम, उससे कम नहीं हो सकता। उसका वैल्यू कितना है? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ओके, तो ये वाला वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमको, हम अगर किसी दुकान में जाएंगे और पूछेंगे तो हमको एक पेन दे दो, तो वो क्या खाली कैप देगा और खाली रिफिल देगा क्या? कंप्लीट पेन देगा। ठीक उसी तरह अगर हम किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो उसको कंप्लीट इंटीजर नंबर में देंगे और इंटीजर नंबर में लेंगे, मतलब कि 5 इलेक्ट्रॉन लिए और 5 इलेक्ट्रॉन दिए, ऐसे 4.5 इलेक्ट्रॉन 2.5 इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होता। क्लियर? ये शो कर, ये हमको दिखाता है कि चार्ज क्या नेचर का है, क्वांटाइज्ड नेचर का है। और दूसरा नेचर में हम पढ़ेंगे, दूसरा नेचर में हम स्टडी करेंगे, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, मतलब कि जिस बॉडी में मास हो, जिस बॉडी के अंदर मास हो, जरूरी नहीं कि उसके अंदर चार्ज हो, जरूरी नहीं कि उसके अंदर चार्ज हो, क्योंकि वो बॉडी न्यूट्रल भी हो सकता है, न्यूट्रल मतलब जीरो चार्ज। लेकिन अगर किसी बॉडी में चार्ज हो, तो जरूरी है कि उसका मास भी रहना चाहिए। अगर मास नहीं रहेगा तो चार्ज भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन मास है तो चार्ज एग्जिस्ट करे या ना करे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है, थोड़ा ध्यान देना। उसके बाद 3 नंबर वाला जो है, चार्ज इज कंजर्व्ड, ये वाला हम पढ़ते हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्शन में जो चार्ज का जो डीके करता है, अगर अल्फा पार्टिकल निकल जाए, अगर अल्फा पार्टिकल नीचे, सपोज ये है एक्स, ए सॉरी एक्स, ये हो गया जेड, ये हो गया ए, अगर एक अल्फा पार्टिकल चला जाए तो अल्फा पार्टिकल क्या लेके जाएगा? 2 चार्ज लेके जाएगा और 4 मास लेके जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए माइनस 4 और ये क्या होगा? जेड माइनस 2, पेरेंट्स डॉटर न्यूक्लियस। तो देखो ये क्यों मिलाते हैं इसको, इसको अगर मिला देंगे तो क्या होगा? ये माइनस है ना, इसके अंदर यहाँ ये इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया ए माइनस 4, ये भी हो गया ए माइनस 4, ये हो गया जेड माइनस 2, ये भी हो गया जेड माइनस 2, इधर हो गया टोटल जेड माइनस 2 चार्ज, इधर भी है जेड माइनस 2 चार्ज, ये भी टोटल मास है ए माइनस 4, इधर भी है ए माइनस 4, मतलब कि चार्ज कहीं गया नहीं है, चार्ज कहीं खोया नहीं है, चार्ज ना इधर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्टर्ब, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ओके, चार्ज इज कंजर्व्ड। ओके, उसके बाद जो एक खास, हम खास जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं, चार्ज को हम एडिट कर सकते हैं एलजेब्रिकली, एलजेब्रिकली हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। कैसे? अगर माना जाए, अगर पूछा जाए किसी बॉडी के अंदर यहाँ पे Q1 चार्ज है और यहाँ पे Q2 चार्ज है और यहाँ पे -Q3 चार्ज है, हमको पूछा जाएगा कि इस बॉडी के अंदर टोटल चार्ज कितना है, तो हम क्या लिखेंगे? Q1 + Q2 - Q3, ये हो गया बॉडी का टोटल चार्ज, हम ऐसे ऐड कर सकते हैं। ओके, और हम बोले कि चार्ज तो कंजर्व करता है, चार्ज कंजर्व नेचर का है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है।
ओके तो मेरे दोस्तों इतना सा आज के वीडियो में, और फिर अगले वीडियो के लिए आप लोग कमेंट करें, बताएं, ताकि कुछ अगर कुछ सीखने के लिए मिला हो, कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हाँ, जो जो बताया हूँ कि क्यू इज इक्वल प्लस माइनस एनिंग, ये वाला फार्मूला, ये वाला कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट, तो अच्छे से याद कर लेना और कमेंट करना और बताना वीडियो कैसा लगा। ओके।